नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका अपनी हिंदी की कक्षा में। तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करने वाले हैं पाठ संख्या 10, अनमोल मोती। तो चलिए देखते हैं, यहाँ हमें दी हुई है चित्र पर आधारित गतिविधि। क्या आप जानते हैं कि संसार में मनुष्य द्वारा बनाई गई वह कौन सी चीज़ है जिसका सबसे अधिक दिनों तक उपयोग किया जाता है? वह है साहित्य, अर्थात जिसमें सबका हित हो। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। साहित्य की कई प्रमुख विधाएं हैं, जैसे कविता, कहानी, नाटक, एकांकी, लघु कथा, निबंध, डायरी लेखन, आत्मकथा, जीवनी, साक्षात्कार इत्यादि शामिल हैं। किसी कवि ने कहा है, उम्र में उपयोगिता में है बड़ी कविता, पीढ़ियां दर पीढ़ियां बहती है बंसरिता, साक्ष्य है दोहे सवैया सोरठा पद छंद, है नहीं कवि किंतु है उनकी लिखी कविता। उपर्युक्त पंक्तियां किसने लिखी है, इंटरनेट द्वारा जानकारी प्राप्त कर बताओ। तो बच्चों, आप ये गतिविधि स्वयं करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम करते हैं पाठ में प्रवेश। हिंदी में दोहा और पद का एक महत्वपूर्ण रचनाकारी रूप है, जिन्हें कवि विभिन्न विषयों पर लिखते हैं। दोहा एक छोटी दो पंक्तियों की रचना होती है, जो गहरे अर्थ और संदेश को सुलझाने में समर्थ होती है। इसके विपरीत पद एक लंबी कविता होती है, जो विभिन्न रसों, भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करती है। इस पाठ में कुछ दोहे और पद हैं। इन दोहों और पदों में कवियों द्वारा अपने भावों, विचारों और अनुभवों को साझा किया गया है। तो यहाँ पर हैं बच्चों इस पेज पर दोहे। तो आइए शुरू करते हैं। ये सब रहीम के दोहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है रहीम। तो चलिए पहला दोहा पढ़ते हैं और फिर मैं आपको उसका अर्थ समझाऊंगी। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पड़ जाए। इस दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि हमारे जो रिश्ते प्रेम के धागे से जुड़े हुए होते हैं, हमें उन्हें संभाल के रखना चाहिए, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें चटका नहीं देना चाहिए। अर्थात हमें लड़ाई झगड़े से, अपने मन मुटावों से अपने प्रेम भरे संबंधों को खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जिस प्रकार एक धागा जब टूट जाता है तो वो दोबारा नहीं जुड़ सकता, और अगर हम उसे जोड़ते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार जिन रिश्तों में कड़वाहट भर जाती है, उसको अगर हम दोबारा से जोड़ने की कोशिश करते हैं तो भी उसमें गांठ रह ही जाती है। इसी कारणवश रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम पूर्वक संबंधों को खराब नहीं करना चाहिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, रहीमन बिस व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम दास जी कहते हैं कि जो भी इंसान उत्तम प्रकृति का है, मतलब उसकी जो उसका जो स्वभाव है वो उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, का करी सकत कुसंग, उसका कुसंगति भी, उसका बुरे विचारों वाले व्यक्ति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। जिस प्रकार चंदन के पेड़ से हमेशा सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन तब भी चंदन का पेड़ विषैला नहीं होता है। अर्थात अगर कोई इंसान अच्छा है, अगर कोई इंसान श्रेष्ठ विचारों वाला है, तो उसका कुसंगति भी कुछ बुरा नहीं कर सकती। जैसे कि चंदन के पेड़ पर चारों तरफ सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन सांपों के विष का असर चंदन के पेड़ पर नहीं होता। उसकी सर्वश्रेष्ठता क्या है कि वो चंदन का पेड़ है, उसमें खुशबू है, वो विषैला नहीं होता।
चलिए आगे चलते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लगु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। इसमें रहीम दास जी इस दोहे में ये कहना चाहते हैं कि हमें बड़ी चीज़ को देखकर छोटे को नहीं त्याग देना चाहिए। इस प्रकार किसी बड़े ओहदे वाले इंसान को देखकर हमें छोटे ओहदे वाले या छोटे पद के इंसान का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। जहाँ सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती। इस प्रकार वो ये कहना चाहते हैं कि सबका अपना अपना महत्व है। हमें किसी बड़ी चीज़ के लिए किसी छोटी चीज़ को, या किसी बड़े पद वाले मनुष्य के लिए किसी छोटे पद वाले मनुष्य का निरादर नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें छोड़ देना चाहिए। अब आप बताएं बच्चों, अगर हमें कोई कपड़ा सिलना है तो हम तलवार से सिलेंगे या सुई से? सुई से ही सिलेंगे ना। तो यही रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि जहाँ सुई काम कर सकती है वहाँ तलवार काम नहीं आती। तो इसका तात्पर्य यह है कि सबका अपना अपना महत्व है। तो ये तीनों दोहे रहीमदास जी के हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक पद दिया हुआ है बच्चों। पहले मैं आपको इसकी रीडिंग करके बताऊंगी और फिर उसका अर्थ बताऊंगी। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पीछे मधुबन मोही पठायो, चार पहर बंसी बट भटक्यो सांझ परे घर आयो। सुबह सुबह मैं मधुबन के जंगलों में चला जाता हूँ, वनों में चला जाता हूँ गैया को चराने, चार पहर बंसी बट भटक्यो, चारों पहर मैं बंसी बजाता हुआ भटकता रहता हूँ गायों के पीछे, सांझ परे घर आयो, और शाम को शाम के बाद ही मैं घर पर आता हूँ। मैं बालक बहियन को छोटो, मैं तो इतना छोटा सा बालक हूँ, छीको के ही विधि पायो, वो ऊंचा जो छीका लगा हुआ है वहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं मैया, ये सारे ग्वाल बाल मुझसे बैर करते हैं, बरबस मुख लिपटायो, मक्खन इन्होंने जबरदस्ती मेरे मुंह पर लिपटा दिया है। तू जननी मन की अति भोरी, हे मैया तू तो मन की बहुत ही ज़्यादा भोली है, इनके कहे पति आयो और इनके कहने पर तू मुझसे नाराज हो रही है। जिये तेरे कछु भेद उपजी हैं, तू जरूर मुझसे कुछ भेद रखती है, जानी परायो जायो, तभी तू मुझे पराया मानकर मुझ पर क्रोधित हो रही है। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, कृष्ण जी यशोदा मैया को लाठी और कंबल दे देते हैं कि ये रख लो तुम, बहुत ही नाच नचायो, बहुत नाच नाच लिया मैंने, अब मैं नहीं जाऊँगा कहीं भी। सूरदास तब बिहसी जसोदा, तब यशोदा मैया को सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया को हंसी आ जाती है और वो कृष्ण जी को अपने गले से लगा लेती हैं मनाते हुए। तो ये पद के रचयिता हैं बच्चों सूरदास जी। तो आज हमने करे दोहे और पद। चलिए अब हम देखते हैं कि इस पाठ में आगे हमारे लिए क्या अभ्यास है। तो ये हैं बच्चों कठिन शब्द जो आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखेंगे। मैं इन्हें एक बार आपके लिए पढ़ रही हूँ। प्रेम, चटकाए, जुरय, गांठ, प्रकृति, रहीमन, व्यापत, बड़ेन, लघु, तरवारी, मोरी, भयो, गयन, बंसी बट, भटक्यो, सांझ, छीको, क्वाल, बैर, कुछ, बहुत ही, बिहसी। चलिए आगे चलते हैं। आपको ये लिखने हैं अपनी पाठ्य पुस्तिका में। अब ये शब्द अर्थ हैं बच्चों जिन्हें आप याद करेंगे और इन्हें भी अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखेंगे। प्रेम, प्यार, पतियायो, विश्वास करना, चटकाए, टूटकर बिखर जाना, जिए, मन, हृदय, जुरे, जुड़ता, कछु, कुछ, गांठ, दो रस्सियों या धागों में बांधने से पढ़ने वाला निशान, भेद, रहस्य, उपजी है, उपजा हुआ है, उत्तम प्रकृति, अच्छा स्वभाव, परायो, अन्य, दूसरे का, क्या, लकुटी, छड़ी, करी, कर,
कमरिया चादर कंबल सकत सकता नाच नचायो परेशान करना बिस विष जहर बिहंसी हंसते हुए कहे कहने पर उर हृदय छाती। तो चलिए अब करते हैं बात पाठ की। बताओ क्या पढ़ा, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? क्या क्या जानते हैं बच्चों? श्री कृष्ण यशोदा मैया और नंद बाबा के पुत्र थे। वह गैया चराते थे, उन्हें माखन बहुत पसंद था, वह बांसुरी बजाते थे, ठीक है, और वह रास लीला भी करते थे। और भी जिन जिन बाल लीलाओं के बारे में आप जानते हैं बच्चों, आप उन्हें लिख सकते हो। जीवन में नीति और उपदेश देने वाली बातों का क्या उपयोग है? ऐसी बातें हम कहाँ कहाँ से सीख सकते हैं? जीवन में नीति और उपदेश देने वाली बातों का बहुत अधिक उपयोग है। ये हमें जीवन में सही पथ पर चलने के लिए मार्गदर्शन देती हैं, और ऐसी बातें हम जीवन में हर छोटी बड़ी प्रकृति में जो चीज़ें विद्यमान हैं उनसे भी सीख सकते हैं। और हम इस प्रकार के दोहे और पदों को पढ़कर भी, अपने साहित्य से भी हम इन नीति और उपदेश देने वाली बातों को सीख सकते हैं। कुछ लोग बिना बात लड़ते रहते हैं, उन्हें आप मिलजुल कर रहने के लिए कैसे समझाएंगे? कुछ लोग बिना बात लड़ते रहते हैं, ये सच है, तो उन्हें हम रहीम जी के दोहे द्वारा ही समझाएंगे कि लड़ाई और झगड़े का कोई फ़ायदा नहीं है, अपने रिश्तों को कांच की तरह बिखेरने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जिस प्रकार एक धागा एक बार अगर टूट जाए और उसे दोबारा जोड़ा जाए उसमें गांठ पड़ जाती है, इसी प्रकार कोई रिश्ता तोड़कर अगर दोबारा जोड़ने का प्रयास किया जाए तो उसमें भी कोई ना कोई गांठ रह जाती है। सूरदास के पद से बाल कृष्ण के नटखट स्वभाव का पता चलता है। आप भी अपने स्वभाव के बारे में बताओ। तो बच्चों, आपका जो भी स्वभाव है आप उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। चंदन के पेड़ से कौन लिपटे रहते हैं? सांप। रहीम ने प्रेम की तुलना किससे की है? प्रेम की तुलना धागे से की है। बाल कृष्ण गायों को लेकर मधुबन कब जाते थे? भोर भई सुबह, ठीक है। यशोदा माता किनकी बातों का भरोसा कर लेती हैं? श्री कृष्ण की बातों का भरोसा कर लेती हैं। चलिए आगे चलते हैं। श्री कृष्ण ने माता यशोदा से क्या कहा और क्या नहीं कहा? हाँ नहीं में उत्तर लिखो। अब मैंने आपको पद पढ़ाया है तो क्या कहा? मैंने मक्खन खाया है? नहीं, उन्होंने कहा मैं नहीं माखन खायो, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों नहीं। मैं गाय चराकर शाम को घर लौटता हूँ, हाँ ये तो कहा था, हाँ ठीक है। मेरे हाथ बड़े हैं? नहीं। मैं बालक दहियन को छोटो, तुम बहुत भोली हो, हाँ ये कहा था कृष्ण जी ने। तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, हाँ ये भी कहा था। तुम मुझे घर पर ही बैठाए रखती हो, नहीं ये तो नहीं कहा था, तो हम यहाँ लिख देंगे नहीं। निम्नलिखित संदेश पाठ के जिस दोहे से हैं वह दोहा हमें लिखना है। किसी के बुरे गुण नहीं अपनाने चाहिए, सभी का आदर करना चाहिए, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। बच्चों मैं यहाँ आपको नंबर 1, 2, 3 लिख के बता देती हूँ, उसके बाद दोहा आप स्वयं लिखेंगे। किसी के बुरे गुण नहीं अपनाने चाहिए, तो दोहा नंबर जो 2 है, चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं तो उस पर विष का असर नहीं होता है, इसी प्रकार अच्छे गुण वाले व्यक्ति पर भी बुरे गुण वाले व्यक्ति का असर नहीं होता है। सभी का आदर करना चाहिए, दोहा नंबर 3, और लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, दोहा नंबर
एक, तो आप यहाँ पर लिखेंगे दोहा। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। रहीम ने मिलजुल कर रहने का संदेश किस प्रकार दिया है? रहीम ने मिलजुल कर रहने का संदेश इस प्रकार दिया है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, अपने रिश्तों में कोई भी गांठ नहीं डाल देनी चाहिए। जिस प्रकार धागे के टूटने पर उसमें गांठ पड़ जाती है, इसी प्रकार कोई भी संबंध टूटने के बाद अगर दोबारा जोड़ने का प्रयास किया जाए तो उसमें भी कोई ना कोई गांठ रह जाती है। रहीम ने सज्जन लोगों के स्वभाव के बारे में क्या कहा है? रहीम ने सज्जन लोगों के स्वभाव के बारे में कहा है कि सज्जन व्यक्ति पर किसी भी दुर्जन व्यक्ति का कुप्रभाव नहीं पड़ता है, वे बुरे व्यक्तियों के गुण को नहीं अपनाते हैं। जिस प्रकार एक चंदन के वृक्ष से हमेशा सांप लिपटे रहते हैं परंतु फिर भी वह विषैला नहीं होता है। रहीम ने सुई और तलवार की तुलना किस प्रकार की है? रहीम ने सुई और तलवार की तुलना बड़े और छोटे के रूप में की है कि जहाँ जिस जगह सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती। इसी प्रकार जहाँ तलवार काम आ सकती है वहाँ सुई काम नहीं आ सकती। तो इससे ये अर्थ मिलता है कि सभी का, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, अपना अपना महत्व है। श्री कृष्ण ने माता यशोदा को किस प्रकार अपनी सफाई दी? श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि वह तो सुबह होते ही गायों को चराने के लिए मधुबन चले जाते हैं और शाम ढले वापस आते हैं। उस पर उनके हाथ और वो खुद भी इतने छोटे हैं कि ऊपर लटके हुए छीके तक वो नहीं पहुंच पाते। इस प्रकार इन बातों से श्री कृष्ण ने माता यशोदा को अपनी सफाई दी। सूर के पद से माता यशोदा के स्वभाव के बारे में क्या मालूम होता है? सूर के पद से माता यशोदा के स्वभाव के बारे में हमें यह मालूम होता है कि वह कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती हैं और उनके अंदर ममता कूट कूट कर भरी है। वह एक प्रेम पूर्ण ममतामयी माँ है। तो चलिए आगे चलते हैं। आभार बच्चों, मिलते हैं अगले पाठ के साथ।